मार्मिक सिचुएशन थी। गवर्नमेंट क्या बोलता है मुझे गवर्नमेंट के और डाटा पे नहीं जानते हैं ना, मैं उसके लिए झगड़ा करता हूँ। आपके और चैनल के माध्यम से मैं बता भी चुका हूँ कि बहुत स्थिति खराब थी। मैं 2 बजे तक बेड पे पड़ा रह गया और कोई डॉक्टर नहीं आए। जब हम गिर गए, उठे तो देखे कि जब ऑक्सीजन चला, जब हम थोड़ा सा कॉन्शियस में आए तो हम देख रहे हैं कि नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, नाली है, वहीं पर हमको ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो बड़ा मार्मिक हमको लगा, हमको एक ही चीज लगा कि ईश्वर इस तरह से हमको दंड मत दो। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। देश में कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन हो गया। ये लॉकडाउन ने जिंदगी में बहुत कुछ सिखा दिया, हर किसी ने कुछ ना कुछ सीखा, तो किसी ने इसे एक मंजिल बना लिया, तो किसी ने इसे लोगों के लिए दान में अपना जिंदगी ही समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो खुद पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव होने के बाद दर्द को सहा, जो अकेलापन को महसूस किया और उसके बाद इनको लगा कि आखिर जब हम जैसे अमीर व्यक्तियों को कोरोना होने के बाद लोग छोड़ देते हैं, तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको अगर बीमारी होती है तो वो कैसे जूझते हैं। और उसी दिन से ये पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत भर में इनका सोच है कि लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन दिया जाए। आप समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता बस हम आपको परिचय भी देते हैं। इनका नाम है गौरव राय और अब ये गौरव राय के नाम से न जानकर ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जा रहे हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है बिहार लाइव से। नमस्ते, आपके व्यूअर को भी नमस्ते मेरे तरफ से। सर, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव आप हुए, उसके बाद कैसा महसूस कर रहे थे, क्या लग रहा था सर उस समय जब आप पॉजिटिव? देखिए, पहले तो लग रहा था कि हमको बचना चाहिए और हमको बचना है और बचे। उस पीरियड की बात अब बहुत चर्चा क्या करेंगे, हम बचे। और उस सेकंड ख्याल आया कि सब हम संपन्न होते हुए भी, हम इतना पैरवी होते हुए भी हम हॉस्पिटल में हैं और कोई डॉक्टर नहीं देखने आया है, तो क्यों, तो सोचिए कि इंटीरियर या पटना में और जो मतलब पिछड़े वर्ग हैं, चाहे पिछड़ा लोग हैं और या गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास ये सुविधा कैसे मिलती होगी। हमारे मन में इस समय प्लानिंग आ रहा था। तो हमने अपनी पत्नी से बोला कि अगर हम चले गए, गुजर गए तब तो बात ख़त्म है, और अगर बच गए तो हम लोग कल से खुलेंगे। तो वाइफ हमारी हंस के बोली कि अरे ठीक है, तुम ठीक पहले हो जाओ। हम बोले नहीं, तुम हमको कल सुबह सुबह 3 सिलेंडर खरीदो। और इसी तरह ये कारवा स्टार्ट हुआ हमारा। लोग आते गए, हम लोग दोनों, वाइफ तो खुद जॉब करती हैं तो वो तो उतना नहीं, लेकिन वो अपना डाटा बना लेती थी, यहाँ भाई यहाँ है, यहाँ से एक फ़ोन आया, अब हम बाथरूम में हैं तो फ़ोन आया, तो वो बना ली, ठीक है अपना वैसे से मैसेज आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए। और हम अपनी गाड़ी लेके जाते थे। वाइफ जरूर इतना बोलती थी कि तुमको बच के जाना है। तो हमारा यही कहना था कि अभी हमको कोरोना हो चुका है, हमको दोबारा नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग दोनों, हस्बैंड वाइफ, मेरे दोस्त लोग साथ आए। आप फेसबुक की दुनिया को लोग आभासी दुनिया कहते हैं, अब विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग आए, भैया हम कुछ देना चाहते हैं, हम 100 रुपया ही देना चाहते हैं। जोड़ जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मेरे रिलेटिव आए, मेरी चचेरी बहन, मेरी चाची, मेरे भैया अभिषेक सिंह है, डॉक्टर अनिता सिंह के लड़के, उन्होंने 10,000 रुपये से मदद की। और ऐसे करते करते तिनका तिनका करके, उस समय स्कार्सिटी भी काफ़ी थी, आप जुलाई के समय याद कीजिए जब कोई लोग घर में नहीं आते थे, क्योंकि हमको याद है कि हमने जिसको जिसको फ़ोन किया, जो लोग जान गए, समझ गए कि इसको करोना है, वो दोबारा नहीं हमको फिर फ़ोन किए, वो दोबारा हमको फ़ोन नहीं किए। और इस पीड़ा को मैंने झेला, जो मेरी दशा थी उस पीरियड में मेरी दशा हुई थी, तो हमको यही था, एक जुनून सवार हो गया कि नहीं, मारने बचाने वाले हम नहीं हैं, लेकिन हम एक पहल करेंगे, एक इस लेवल पे हम जाके पहल करें। और अच्छा लगा, हमारा यही था कि 10 आदमी भी बच जाएंगे तो जीना सार्थक हो जाएगा। लेकिन ये मुहिम चला और कब एक जुनून टाइप में बदलते चला गया। इसके पीछे मतलब यही लगा कि आदमी बचते चले गए और हमको लगा कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, बढ़िया से खा रहे हैं।
आपके नाम अब जो है ऑक्सीजन मैन रखा गया है, इससे आपको क्या लगता है, कैसा महसूस करते हैं? हमारे हिसाब से तो हमको नाराजगी है, हमारा अभी उम्र के हिसाब से हमको ऑक्सीजन बॉय कहा जाता तो अच्छा लगता, लेकिन अब क्या करें, ऑक्सीजन मैन कर दिया गया है, तो अच्छा काम करते हैं ना तो अच्छा लगता है हमको। वहाँ भी जहानाबाद में भी गए हुए थे परसों, तो लोग ऑक्सीजन मैन, तो बढ़िया लगता है, बच्चे भी देखते हैं कहते हैं कि अंकल आप ऑक्सीजन मैन हैं, तो हमको अच्छा लगता है। देखिए उसमें हर आदमी रिवार्ड्स के लिए होता है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिसको मैं दिमाग से नहीं अपने दिल से रख के काम कर रहा हूँ। एक सवाल यह भी उठता है कि देश में कोरोना वायरस जब आया तो सरकार, केंद्र सरकार, बिहार में बिहार सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही थी, कह रही थी कि हर व्यवस्था है, तो फिर उस व्यवस्था के दरमियान आपको ये क्यों लगा कि सरकार के व्यवस्था अधूरा पड़ रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। बीइंग एक शहरी नागरिक का बहुत होशो आवास में बोलेंगे, बहुत खराब स्थिति थी, और मैं आपके और चैनल के माध्यम से मैं बता भी चुका हूँ कि बहुत स्थिति खराब थी। मैं 2 बजे तक बेड पे पड़ा रह गया और कोई डॉक्टर नहीं आए। 3 बजे हम लोग निकल गए, हम कहे वाइफ को यही चीज़ कहे कि मरेंगे तो घर में मरेंगे, हम यहाँ नहीं मरना नहीं पसंद करेंगे। नॉट ए सिंगल कोई नहीं आया। किसी तरह से पैरवी पे हम वहाँ पे दाखिला मेरा हुआ। जब हम गिर गए, उठे तो देखे कि जब ऑक्सीजन चला, जब हम थोड़ा सा कॉन्शियस में आए तो हम देख रहे हैं कि नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, नाली है, वहीं पर हमको ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो बड़ा मार्मिक हमको लगा, हमको एक ही चीज़ लगा कि ईश्वर इस तरह से हमको दंड मत दो। हम थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं तो हमको यही चीज़ लगा कि इस तरह से मतलब इस तरह से नहीं करो। और वहाँ बहुत मार्मिक सिचुएशन थी। गवर्नमेंट क्या बोलता है मुझे गवर्नमेंट के और डाटा पे नहीं जानते हैं ना, मैं उसके लिए झगड़ा करता हूँ। आज भी स्टिल 4-5 सिलेंडर डेली हम लगा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसमें अब तक कितने लोगों को मदद आप पहुँचा चुके हैं? पटना पे आते हैं 856 आदमी को हम इंडिविजुअल मदद किए हैं, 18 आदमी उसमें से मर चुके हैं। 18 आदमी मर चुके हैं, करीब करीब 80% आदमी एकदम पूर्ण रूप से ठीक हैं। वो मतलब एकदम 100% वो अपने घर में ही रह कर ठीक हुए हैं। कुछ लोग को हॉस्पिटल जाना भी पड़ा है, और यहाँ तक करीब 1800 सिलेंडर हमने भरवाया अपने दोस्तों के सहयोग से, फेसबुक के मित्रों के सहयोग से, अपनी सैलरी से, वाइफ की सैलरी से 1800 सिलेंडर भरवाया। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, रिफिलिंग भी मैं फ्री करता हूँ। बिहार के किन किन जिले में आपका जो है ऑक्सीजन पहुंच रहा है अभी फिलहाल? अभी 19 जिला है, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, जहानाबाद, गया, आरा, रोहतास, सासाराम, फिर आप नॉर्थ बिहार में अगर आते हैं तो छपरा जो मेरा गृह जिला भी है, वहाँ मोतिहारी, बेतिया, मतलब तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ की लोगों को जरूरतमंद ज्यादा है, जहाँ रोजगार का अवसर कम है, उन जिलों में आपकी पहले प्राथमिकता है, उन जिलों तक आप पहुँच रहे हैं। जी जी, आगे क्या इस पर क्या करना चाहेंगे, आपका क्या सोच है? देखिए कोरोना काल खत्म हो जाने के बाद लोग बोलते हैं ऑल ऑफ सडन कि अब आगे क्या करोगे, तो बस मैं खुद प्राइवेट नौकरी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जीविका उपार्जन के लिए यही नौकरी है। उसमें रहते हुए भी समय निकाल के मैं ये काम कर रहा हूँ। और अभी जैसे मधेपुरा में भी हमने आपसे बात नहीं बताया था, मधेपुरा में भी एक जगह चालू करवाया, मधेपुरा में और कटिहार में। तो कोई जरूरी नहीं कि कोरोना पेशेंट, आप सपोज दैट आप जहानाबाद में एक जगह है सोनभद्र, वहाँ आप देखिए नदियों का कटाव है, नदी एक ही नदी 2 बार क्रॉस करती है। तो मान लीजिए जिसके पास कोई सवारी नहीं है और वो ऐसे जगह पे अगर एक सिलेंडर रखा हुआ है तो ये तो रामबन है ना। जब मेरा 54 पे चला गया और जब लग रहा था कि एक हाथी मेरे चेस्ट पे दाब रहा है और सांस लेने के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, तो मैं ही फील कर सकता हूँ कुछ समय कैसा लगा था। तो इस चीज को मैं महसूस कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कोरोना पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जाड़ा के दिन में हार्ट अटैक आता है, तो प्रारंभिक उनको वो सपोर्ट दे दिया जाए तो जान बच सकती है ना सर। मतलब ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा, कोरोना खत्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, इस कार्यक्रम को मैं चलाऊंगा। जैसे स्टेशन पे एक आदमी है जिसके पास पता चलता ऑल ऑफ सडन की ट्रेन में ले जाना है पेशेंट को, और उसको 5 सिलेंडर यहाँ से दिल्ली तक की जरूरत पड़ती है या 2 सिलेंडर जरूरत पड़ती है 14-12 घंटा के लिए, ठीक है। तो अब वो भटक रहा है, उसके पास संसाधन नहीं है,
ना पैसा है कि वो जाके सिक्योरिटी मनी दे। तो वैसे लोग के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं क्या मतलब, हम अकेले हैं, हम और मेरी पत्नी है इसमें, पीछे से तो बहुत लोग हैं सपोर्टिव, लेकिन फ्रंट पे जाने के लिए हमारे पास हम ही हैं। अच्छा, अगर आपको कोई मदद करना चाहे तो उनको क्या करना होगा, कैसे मदद आप तक पहुंचाएंगे, जो मतलब आपको क्या मदद, जो गरीब परिवार को, जरूरतमंद को मदद पहुंचाना चाहते हैं तो उनको पहुंचाने का तरीका या जरिया जो है आप बने, इसके लिए क्या करना होगा उनको? देखिए, हमारे पास अपना मेरे एक ही सैलरी अकाउंट है, हम कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे। मेरा पर डे का खर्चा आज के डेट में 1.5 से 2 हजार रुपया है, पटना की बात अगर खाली, सिर्फ पटना की बात करें। दोस्त लोग हम क्या बोले, हम उन लोग के मतलब ऋणी हैं और भावुक हो जाते हैं कि बहुत अलग हट के उन लोगों ने मदद किया। 10 सिलेंडर अभी भी डेली हम भरवा रहे हैं। अब ऑफिस से निकलते हैं, कुम्हरार जाते हैं, कुम्हरार से सिलेंडर फिल किए, उसके बाद हम धीरे 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 जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन है कहाँ बदलना है सब नोट किए हुए हैं। बहुत जगह ऐसे हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग अकेले घर में, आसियाना नगर फेज 1 में अभी हम कुछ जगह ऐसे लोगों को जान रहे हैं, वहाँ रात में जाते हैं, अब आंटी हैं, अंकल हैं, बैठे हुए, बाबू कितना मेहनत करोगे, हम कह के, उनके पास वास्तव में कोई नहीं, परिवार के लोग हैं, पैसा भी है, कहते हैं कि पैसा लीजिए, उनसे हम पैसा नहीं। सबसे बड़ी बात हम इसको बड़ा गर्व से कहेंगे, मैं किसी से नॉट ए सिंगल पैसा मैं ना लूँगा और ना लिया और ना आगे लेना है, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे दोस्तों का यही कहना था कि यज्ञ है और यज्ञ में होम करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। जी धन्यवाद आप लोग सबका। तो आप सुन पा रहे थे, हम लोगों ने टाटा की बात बहुत की है। टाटा ने एक बात कही थी कि यह वर्ष जीने का है, पैसा बचाने का नहीं है, अमीर बनने का नहीं है। लेकिन अपने बिहार के बेटा को हम लोगों ने जिक्र ही तक ही नहीं किया था, क्योंकि तब इन्हें शायद हम लोग नहीं जान पाते थे, या फिर हम लोग इस तरह से नहीं इन्हें देख पाए थे जिस तरह से ये लोगों के बीच में लगातार हम लोगों के बीच थे। आप समझ सकते हैं कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हर कोई अपने घर से निकलना नहीं चाह रहा था। लोग सोचते थे कि अपने घर में ही कैद रहे, अपनी मदद खुद करें, दूसरे की मदद की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि पैसे की भी अभाव हो गई थी। लेकिन इन्होंने वो सारी चुनौतियों को देखते हुए, जैसे ही कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, लोगों के मदद में, सहयोग में निकल गए। और इनका कहना है कि आगे भी निरंतर यह कार्यक्रम चलते रहेगा और ये किसी से मदद नहीं लेंगे, बल्कि अपने पैसे से ही कार्यक्रम को आगे भी चलाते रहेंगे। इनका एक बात यह भी कहना था कि ऑक्सीजन मैन के जगह पर अगर ऑक्सीजन बॉय हमें कहा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।